हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे मोटो एज 20 में और ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G में और देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से। तो मोटो की है डिस्प्ले 6.7 इंच की, रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल, स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले। ओप्पो की डिस्प्ले 6.55 इंच की, रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल, स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और दोनों फ़ोन में आपको पंच होल कैमरा मिलता है और मोटो में आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है और ओप्पो में ये 19 हर्ट्ज़ का। डिस्प्ले क्वालिटी में मोटो बेस्ट है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो मोटो का है स्नैपड्रैगन का 778G 5G का, CPU 3.2 GHz, ऑक्टा कोर का 6 नैनोमीटर्स का फिनफैट। और ओप्पो का जो प्रोसेसर है वो है मेटे का डायमेंसिटी 1000+ का, CPU 2.6 GHz, ऑक्टा कोर का 7 नैनोमीटर्स का फिनफैट। और प्रोसेसर क्वालिटी में मोटो बेस्ट है। बात करते हैं बैक कैमरे की, तो मोटो का है ट्रिपल जो मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, फिर 16 का, फिर 8 का। ओप्पो का है क्वाड में जो मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, फिर 8 का, फिर 2 का, फिर 2 का। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो दोनों का सेम है, 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है। मोटो में बैटरी है 4000 mAh की, ओप्पो में है 4310 mAh की। और दोनों फ़ोन की बैटरी एप्स नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की, तो मोटो में है 30 वाट का, रियलमी में है 65 वाट का। दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है। दोनों फ़ोन में आपको ट्रिपल सिम नहीं मिलती, दोनों की है वारंटी 1 साल की। और दोनों में रैम सेम है 8 GB की, दोनों की मेमोरी सेम 128 GB की। और दोनों में ही आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है। दोनों में कनेक्टिविटी है 5G की। बात करते हैं प्राइस की, तो मोटो का है स्टार्टिंग 29,999 रुपये, रियलमी का है स्टार्टिंग 27,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।